अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तसीमुद्दीन। आप लोग देख रहे हैं किसान टीवी 24। यह है धर्मपुर टू ग्राम पंचायत मदलिसपुर। यहाँ का अंचल प्रेसिडेंट महिला है, स्वीटी नाम है उनका। सीधे उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए किसान टीवी 24 के साथ। आपके महिला प्रधान बनी आपके यहाँ? महिला प्रधान बनी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जब महिला प्रधान बनी है। दीदी को देख के, उसका उन्नयन देख के, यहाँ पर हम लोग का निर्दल हालांकि ज़्यादा जीता था, लेकिन उसका दीदी का उन्नयन देख के और हम लोग का मंत्री साहब का, मुनिया अंकल का और सबका ये देख के, वो लोग मतलब हम लोग का पार्टी का ये बनाए हैं, प्रधान बनाए हैं। बहुत खुशी हो रही है, ख़ासतौर पर महिला हुई है इस बात की तो बहुत खुशी हो रही है। जब डेवलप अच्छा से होगा, बहुत अच्छा से होगा। और मैंने एटा देना उधर जितलो शुद्ध उधर ऊपर एक भागीदारी दुआ गलो उधर के भालो करे मैंने काज करते हुए अंकल जो हलो ये अंकल नूर आलम अंकल जो हलो तार ऊपर एक जिम्मेवारी हलो सबाई के लिए मिले मिसे चलते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हम लोग भाई भाई खाने कोनो राज्य ये बीजेपी पार्टी ना जो कोनो राजनीतिक ने ये होवे ये तो टीएमसी पार्टी सबाई मिले मिसे हम एकत्रित हो काज करब सबा के बोलो और ये धर्मपुटी हमारा सब समय शांति भाव इलेक्शन है सब समय शांति भावी थी शांति ए भोट गठन हलो और आगामी शांति भलो उन्नयन करब ये बहुत खुशी हुई। सबसे पहले एक शेर के साथ स्टार्ट करता हूँ। उठो के नई राह आ गई है, चलो के शबे इंतजार आ गई है। उठो के नई राह आ गई है, चलो के शबे इंतजार आ गई है। छलकती है मस्ती सी हदे नजर तक, बहारों को लेकर बहार आ गई है। तो बहरहाल ये बहार जो आई है आज प्रधान के गठन को लेकर के, हमारा मजलिसपुर धर्मपुट्टू ग्राम पंचायत में जो आज का प्रधान का जो गठन हुआ बहुत ही सुकून और शांति के साथ हुआ। यानी कि यहाँ ये साबित हो गया कि यहाँ पे डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है। तमाम लोग जितने भी लोग हैं खुशी बखुशी इख्तियार के साथ सभी लोग उसको समर्थन के साथ उसको मतलब प्रधान और उप प्रधान का गठन किया गया। इसमें किसी तरह की कोई चूँ चा नहीं हुआ। और मैं चाहता हूँ कि प्रधान के जो अभी बने हैं ये महंतो जी उनकी वाइफ और जो उप प्रधान जी जनाब ये बचन उर्फ ये सॉरी आलम नूर आलम साहब उर्फ बचन भाई उनके ऊपर अभी पूरे मजलिसपुर का जिम्मेदारी है, हाँ पूरा धर्मपुर टू का जिम्मेदारी है। उनको बखूबी निभाना भी है और ये नहीं कि उसको दिल में कोई नफरत नहीं होना होगा। सबके लिए भेदभाव छोड़ करके ईमानदारी के साथ सबको पूरी टीम को लेकर के काम को करना होगा। इससे ही हमारे धर्मपुर टू अंचल का तरक्की होगा। और लास्ट में एक शेर में कहता हूँ, अभी सावन का महीना भी है तो इसलिए मैं कह रहा था, बस खुद को अपना लें अपना सारा ज़माना अपना बन जाएगा। तनिक खुद के साथ झूम लें सारा महीना सावन लगेगा। धन्यवाद। यही बात कह करके मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ।